समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आज 10वां चरण है और इस चरण का मुख्य मोटिव है प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने साथ लाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। आज भगवान परशुराम जी के मंदिर में भगवान परशुराम जी का दर्शन करने का मौका मिला, पूजा करने का मौका मिला और ये आशीर्वाद लेने का मौका मिला कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। संकल्प ये भी लिया है कि सरकार बनने पर भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी होगी। जो संस्कृत और संस्कृत को पढ़ाने वाले गुरु और विद्यालयों के लिए जो काम नहीं किए उन कामों को करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये भी गुंडे माफियाओं को लेकर यह कहा है कि पहले खेल खेल होता था, आज उनको हम जेल जेल खिला रहे हैं। असली खेल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ठोकराज चल रहा है, जेल में लोग सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में रोल सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कहीं अन्याय उत्पीड़न हुआ तो उत्तर प्रदेश है। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है? जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, महंगाई क्यों बढ़ गई, कमाई आधी क्यों हो गई, बैंकों में जो लोन था या बैंकों से जो इंटरेस्ट मिलता था आखिर वो इंटरेस्ट कैसे खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा चल रही है, 10वां चरण है और कवायद इस बात की है कि प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, लेकिन अब देखना ही होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में कितने ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ पाते हैं।